बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, जिसके लिए मुझे छोटे छोटे सेबों की ज़रूरत थी। तो चलिए पहले सबसे पहले इन्हें छीलते हैं, इनके ऊपर से छिलका उतार के तो शुरू करते हैं बनाना। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अच्छा जी, ये सेबों के ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया, बहुत जल्दी जल्दी मैंने उतारा है, लेकिन और साथ साथ मैं पानी में रखती गई हूँ, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा कलर इनका चेंज हो गया। तो ये तकरीबन मेरे पास 3 किलो सेब है। तो सेब आपने जब भी लेने हैं मुरब्बे के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि सेब जो है वो कच्चा हो, पूरा पका हुआ ना हो। शुरू में मैंने आपको सेब दिखाई थे, तो आपने देखे होंगे कि सेब जो है वो पूरे पके हुए नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे पानी ऊपर रख दिया था, उसके अंदर मैं अब सारे सेब डाल दूंगी और इनको तकरीबन 50% मैंने पकाना है, पूरा फुल नहीं, 50%। चलिए जी, यहाँ पे सेब मैंने ऊपर रख दिए हैं, अब इनको हम पकने देंगे, उसके बाद फिर अगला स्टेप करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने चीनी डाली है, अब इसके अंदर मैं जिस पानी में सेबों को पकाया है वही पानी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूंगी। अब इसमें 4-5 इलायचियां ताकि खुशबू अच्छी आए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी फूड कलर, ऑरेंज कलर का, ताकि कलर भी इसका अच्छा सा हो जाए, प्यारा सा। इसकी चाशनी बनने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सेब का मुरब्बा जो है ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि नज़र की कमजोरी, दिमागी कमजोरी, दिल की ताकत के लिए, खून की कमी दूर करता है, दिल की धड़कन कंट्रोल करता है। और हकीम कहते हैं, अक्सर हकीमों से सुना है कि कहते हैं कि अगर जिगर में गर्मी हो तो दूध के अंदर सेब का 1 या 2 पीस मुरब्बे पे डाल के आप शेक बनाकर अगर पियेंगे तो ये आपके जिगर को साफ करेगा। इसके अलावा मैदे की तकलीफ के लिए भी कहते हैं, मैदे की गर्मी भी दूर करता है ये, या कमजोरी जिस्म की हो, लागरपन, उसके लिए कहते हैं कि दिन में तकरीबन 4 बजे के करीब अगर दूध के अंदर शहद और 1 पीस सेब के मुरब्बे का डाल के आप शेक बनाकर पी लें तो आपकी जिस्म की कमजोरी जो है वो भी दूर होगी। तो लातादात फायदे इसके जो सुनने में आए हैं, तो बहुत अच्छा होता है, आप लोग घरों में बनाए इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि आप अपने लिए, आपके घर में वालदैन हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको आप घर में अगर आप खुद से बना के अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो साफ सुथरा सा जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप बाजार से बना बनाया लेके आए, सफाई का भी आपको कोई अंदाजा नहीं होता। तो घर में बना के रखें, बेशक 1 पीस 1 सेब छोटा सा निकाल के तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह की चीजें जरूर घर में बना के रखें, बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये चीनी मिक्स हो चुकी है, तो मैं सेब आहिस्ता आहिस्ता से निकाल के इसके अंदर रख दूंगी। मुझे पाकिस्तान से फोन आ गया था और मैं फोन सुनने में लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे सेब जो है वो ज्यादा गल गए हैं, लेकिन अब इनको फेंक तो सकती नहीं हूँ, आपको बना के दिखा देती हूँ। आप लोग इसी तरह बनाए, बस सेब को जो है पहले ज्यादा नहीं गलाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें भी पकना होता है। थोड़ा सा पकने के बाद आप इसके अंदर 1 अदर नींबू निचोड़ दें, इससे 1 तो इसके अंदर चमक आ जाएगी, दूसरा इसका जायका अच्छा हो जाएगा, और तीसरा ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होगा, 2 से 3 माह तक आप आराम से इसको रख सकते हैं।
बाद लोग इसके अंदर टार्टरी भी शामिल कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर लीमू छोटे हैं तो 2 से 3, मेरे पास बड़ा लीमू था इसलिए मैंने आधा डाले। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसकी चाशनी 2 तार तकरीबन, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब ये तैयार हो जाता है। लीजिए मुरब्बा हमारा तैयार है, बनाइए और खाइए। मुझे दे इजाज़त, दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। हामियों नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।